धरती पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, धरती पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। ये पट्टी हाथ सब पे रखना संभाल के, ये पट्टी हाथ सब पे रखना संभाल के। पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, प्रहलाद जी भजन करते हैं भगवान का, भैया सब लोग राम राम लिखो। अब तो चटशाला में जाकर चट अपना रंग जमान लगे, लड़कों को कथा सुनान लगे, ईश्वर की रटन लगान लगे। दो अक्षर मानव शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में, ओ जय राम राम जय राम राम छा गया सोर चटशाला में। एक दिन प्रहलाद जी आ रहे तो रास्ते में क्या देखा, एक कुमारी जो है घड़ों का आवा लगाया और धोखे से बिल्ली के बच्चे अवा में दब गए। जब कुमारी को याद आया तो कुमारी रोने लगी और कहने लगी, हे दीन बंधु, ये बिल्ली के बच्चे अवा में दब गए, अगर मर गए तो हमारे सर पे कलंक हो जाएगा। हे नाथ, आप तो कृपा के सागर हैं, दयालु हैं, हे प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर और ये बिल्ली के बच्चे जो हैं इन्हें बचा लो। कुमारी भगवान से प्रार्थना कर रही है, मेरे सज्जनों आहा, तब तक प्रहलाद जी आए। ए बुढ़िया किसका नाम ले रही है? बेटा मैं उस सच्चिदानंद भगवान का नाम ले रही हूँ। क्यों? मेरे भगवान में बहुत शक्ति है, धोखे से बिल्ली के चार बच्चे हवा में दब गए, अगर उनकी कृपा हो गई तो ये बच्चे जिंदा अवश्य बचेंगे। अब छोटा सा बालक है प्रहलाद, कहने लगा तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ, हवा कब खोलोगी? मैं देखूंगा, अगर ये बच्चे किसी कीमत पे मर गए ना, अगर ये बच्चे मर गए तो ये बात ध्यान में रखना, तुम्हें हम फांसी कराएंगे, फांसी। तो मैया कहने लगी, ठीक है बेटा प्रहलाद, राजा का लड़का है। प्रहलाद चला गया, सारी रात हो गई, कुमारी को नींद नहीं आ रही और मेरे बंधुओं रो करके प्रार्थना कर रही है, दीन बंधु अगर ये बच्चे मर गए तो प्रहलाद तो मुझे मरवा देगा। अरे रोए रोए कुमारी कहे
Oh,